नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। यूपी में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक भी संक्रमित। दिग्विजय बोले, शिलान्यास मान्यताओं के विपरीत, क्षमा करना प्रभु। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शिवाजी राव पाटिल का आज पुणे में निधन। उत्तर प्रदेश के मंत्री बृजेश पाठक भी कोरोना संक्रमित। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले बोले ओवैसी, बाबरी मस्जिद थी और रहेगी इंशाल्लाह। दिल्ली के नरेला थाना अंतर्गत बांकनेर गांव में पति पत्नी की गला रेत कर हत्या। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वार बंद, वाहनों को शहर में नहीं दी जा रही एंट्री। महाराष्ट्र में आज से खुले सभी मॉल, पुणे में कैब सर्विस को भी मिली मंजूरी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में संदिग्ध आतंकियों ने की सरपंच की हत्या। बेरूत ब्लास्ट पर लेबनान के पीएम बोले 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का हुआ विस्फोट। हिंदू मुस्लिम पर फराह खान ने कहा कि क्यों हम दोनों धर्मों को सम्मान नहीं दे सकते। बीजेपी नेता के बयान पर बोले डीनो, 13 जून को मेरे घर नहीं थी कोई पार्टी। एसबीआई के 6 अधिकारियों और नासिक की कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। भाजपा नेता राणे ने लगाया सनसनीखेज आरोप, कहा सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई। राहुल मोदी को सिविल सेवा परीक्षा में 420वां स्थान मिला। सुशांत मामले को लेकर आदित्य ठाकरे ने किया ट्वीट, कहा ये तुच्छ राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत और तेजपाल से कहा कि बयान नहीं मानेंगे तो पुराने मामले की होगी सुनवाई। चीनी कंपनी वीवो का आईपीएल स्पॉन्सरशिप से विदाई, टूटा 2199 करोड़ का करार। इयान मॉर्गन ने तोड़ा धोनी का विश्व रिकॉर्ड, बने सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान। राफेल नडाल भी नहीं खेलेंगे यूएस ओपन, रोजर फेडरर भी पहले कर चुके हैं मना। 5 महीने बाद आधिकारिक तौर पर लौटा टेनिस, डोना और प्लिस्कोवा की जीत से वापसी। रिजिजू ने कहा कि प्रतिभाओं को तलाशने के लिए राज्य अपने स्तर पर खेलो इंडिया खेलों का आयोजन करें। अनिका अमेरिकी महिला एमेच्योर चैंपियनशिप में खेलने वाली पहली भारतीय। एनआरएआई ने राष्ट्रीय शिविर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया। स्पेन में कोविड-19 मामले के कारण दूसरे डिवीजन के रद्द फुटबॉल मैच को खेलने का आदेश।